गाइस यार पता नहीं आज क्या हो गया है, मौसम इतना ज्यादा गर्म है ना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर जाके पूल में नहा लेता हूँ तो थोड़ा ठंडा हो जाऊंगा। पर भाई साहब अब तो पानी भी गर्म हो गया है, मुझे नहीं लगता कि नहाने का कोई मतलब है, इससे अच्छा तो बाहर ही निकल जाता हूँ। पता चला कि गर्म पानी से नहा ना के शरीर और ज्यादा काला हो गया। अब जल्दी से जाके कपड़े पहन लेते हैं। वैसे शिनचैन और चॉप कहाँ पर है, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक काम करता हूँ, पहले तो जाके कपड़े चेंज करता हूँ, उसके बाद जाके उन्हें ढूंढूंगा। तो गाइस ये मैं पहुंच गया। चलो भाई साहब कपड़े तो पहन लिए, अब जाके ढूंढते हैं शिनचैन और चॉप को, कहीं वो लोग बाहर ना चले गए हो। शिनचैन चॉप कहाँ पर हो तुम लोग? शिनचैन अबे यार सच्ची में बाहर तो नहीं चले गए? नहीं नहीं ये रहे। अबे क्या कर रहे हो? अरे जल्दी से यहाँ पर आओ। अच्छा ठीक है रुकाता हूँ, पक्का न्यूज पे कुछ चल रहा होगा। चैन से सोना है तो जाग जाओ, लॉस सेंटोस में पड़ने लगी है भारी गर्मी और इसका रीजन बताया जा रहा है घोस्ट राइडर। हाल फिलहाल में कुछ दिनों में लोगों ने घोस्ट राइडर को देखा है। क्या सच में घोस्ट राइडर ही इस गर्मी की वजह है? घोस्ट राइडर? पर वो तो चला गया था ना, तो ये कौन है? अरे वो मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो लगता है वो पक्का वापस आ गया है, और अगर ऐसा है तो पक्का कुछ गड़बड़ है। नहीं यार चॉप ऐसा नहीं है, आजकल में तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है। अरे नहीं मुझे लगता है चॉप सही बोल रहा है, घोस्ट राइडर कभी भी बिना वजह के बाहर नहीं निकलता। अरे यार ऐसे डराओ मत, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें पता चल सकता है। अरे ऐसा भी कौन सा आइडिया है? हम लोग टोनी के पास जा सकते हैं, उसे पक्का पता होगा। अरे हाँ चलो जल्दी से। अच्छा ठीक है फिर आ जाओ मेरे पीछे। गाइस यार जल्दी जाते हैं यहाँ से, पता नहीं कि घोस्ट राइडर क्या करने आया होगा। काश के सब कुछ ठीक ही हो। शिनचैन चॉप यार जल्दी से चलोगे? जाके गाड़ी में बैठते गाइस और जाके अंदर एसी चालू करता हूँ, ये गर्मी अब सहन नहीं होती। चॉप तू वहाँ पर क्या कर रहा है? अरे बस आ गया। अरे वाह क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा राहत मिली है, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद एसी में बैठा हूँ, है ना शिनचैन? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अरे आप लोगों का तो ठीक है पर मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो भाई तेरे को इतना होशियार होने किसने बोला था, अंदर आकर भी तो बैठ सकता था ना तू। अरे यार ये बात तो मुझे दिमाग में ही नहीं आई, एक काम करो गाड़ी को अभी रोको, मैं अभी अंदर आके बैठूंगा। सॉरी चॉप मुझे माफ कर दे, पर अब गाड़ी सीधा टोनी के घर के यहाँ ही रुकेगी, बीच में मैं कहीं पर भी नहीं रोकने वाला। ठीक है जाने दो छोड़ो, वैसे भी टोनी भैया का घर आने ही वाला है। चॉप बस कुछ देर की बात है, देखो हम लोग पहुँच गए। अरे जल्दी गाड़ी को रोको और निकलो यहाँ से। अरे भाई मैं तो निकल गया हूँ, तुम दोनों आ जाओ। गाइस जल्दी अंदर जाते हैं। ये रहा टोनी। भाई साहब मैंने तो थॉर को भी बहुत दिन बाद देखा है, कैसे हो थॉर? हम ठीक है, तुम बताओ? बस क्या है मैं भी मजे में ही हूँ। अरे फ्रैंकलिन आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? अरे यार टोनी क्या बताऊँ, आज इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, जरा बाहर निकल के देखो। हाँ वो तो है ही है, हमें अंदर भी गर्मी ही लग रही है। वैसे तुमने न्यूज देखी क्या? हाँ मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, कि घोस्ट राइडर वापस आ चुका है, हम उसका ही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है, वो आता ही होगा। आता ही नहीं होगा, मैं आ चुका हूँ, बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया है? ओ भाई साहब गाइस ये तो सच्ची में आ चुका है, मुझे लगा था लोगों को गलतफहमी हुई है। अब मुझे जल्दी बताओगे, मुझे जाना भी है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बस तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि हम जान सके कि तुम वापस क्यों आए हो। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, ये कहानी बहुत लंबी है। एक काम करो टोनी, तुम अपने मशीन का इस्तेमाल करो। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाके उसे शुरू करता हूँ। सब लोग तैयार हो जाओ, मैं मशीन को शुरू कर रहा हूँ। और ये हो चुका। तो गाइस यार मशीन शुरू हो चुकी है, पहले हमने घोस्ट राइडर के 99 ईयर देखे थे, तो आज हम लोग देखने वाले हैं उसके आगे की कहानी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब घोस्ट राइडर एक आम सा इंसान था जो कि अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश था, और आज वो अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने जा रहा है। अरे नहीं मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मेरे बीबी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये रहे वो लोग, जल्दी जाता हूँ उनके पास। तो बेटा तुम रेडी हो? आज हम लोग बहुत ज्यादा मजा करने वाले है। हाँ पापा मैं रेडी हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हमारा वीकेंड बहुत अच्छा जाएगा। हाँ तुम चिंता मत करो, आज हम लोग सच में बहुत मजे करेंगे। पर डार्लिंग हमें अभी निकलना चाहिए वरना दोपहर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, जल्दी से आके गाड़ी में बैठो। अच्छा ठीक है रुको मैं आई, अब चलो चलते हैं जल्दी से। वैसे बेटा तुम अभी एक बात बताओ, पहले हम कहीं पर रुके खाना खाए या फिर सीधा वहीं पर पहुँच के खाए? अरे नहीं पापा, हम लोग सीधा वहीं पर पहुँच के खाएंगे, वरना हमें देर भी हो सकती है और रास्ते में तो ट्रैफिक भी मिलेगा। तुमने एकदम सही कहा मेरे समझदार बच्चे। ये फैमिली एक मासूम सी और सिंपल सी फैमिली थी जिसकी ना किसी के साथ दुश्मनी थी ना ही कोई बुरा व्यवहार, पर फिर भी वो कहते हैं ना जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है, ऐसा ही कुछ इनके साथ होने वाला था, पर इन्हें इस चीज की भनक नहीं थी। बॉस ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसमें मुझे एक आदमी को मारना है, उसकी गाड़ी बस यहीं से आ रही होगी। सब लोग तैयार हो जाओ, ये देखो ये रही वो गाड़ी, जल्दी से इसे उड़ाते हैं। और ये गया। क्या निशाना लगाया है मैंने, अब जल्दी से जाके देखते हैं। हमें इस आदमी को बॉस के पास लेके जाना होगा, इसमें से तो दो जन गिरे हैं पर हमें तो बस एक ही आदमी के बारे में बताया गया था। ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता, हमसे गलती हो गई है, ये तो वो आदमी है ही नहीं जिसके बारे में हमें बताया गया था, हमने गलती से किसी और को मार दिया है। इससे पहले ये बात किसी को पता चले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और इसके बारे में गलत न्यूज़ फैलानी।
करनी होगी। जल्दी जल्दी चलो मेरे पीछे, अभी के अभी जाके हमें बॉस को ये बताना होगा। अब वही हमें अरेस्ट होने से बचा सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है कौन। ये यहाँ के एमएलए के गुंडे हैं जो कि उसके लिए काम करते थे, पर यहाँ पर एक गड़बड़ हो चुकी थी। ये जिसे मारने आए थे वो तो यहाँ पर आया ही नहीं, उसके बदले उसने एक फैमिली को उड़ा दिया। क्या ये शरीफ फैमिली इस हादसे में मारी गई या इनमें से कोई बचा भी है, चलिए देखते हैं। अरे नहीं, मेरा सर बहुत ज्यादा चकरा रहा है और यहाँ पर सब कुछ ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और दुनिया में ही आ गया हूँ। यह पक्का कुछ तो गड़बड़ हुई है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक मिनट, ये तो मेरा ही बेटा है, पर इसके साथ ये क्या हो गया। बेटा अभी उठो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी मम्मी कहाँ पर है, ये तो कुछ नहीं बोल रहा। अरे नहीं, इसकी मम्मी की तो जान जा चुकी है। तुम मेरी बात सुनो, ये किसकी आवाज थी, अब ये कौन है। मेरे कई नाम है, शैतान, देवता, इविल स्पिरिट, तुम मुझे जो चाहे बुला सकते हो। पर तुमने मुझे क्यों बुलाया है, तुम्हें मुझसे क्या काम है, क्या ये सब तुमने किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब मैंने नहीं किया, पर जिसने भी किया है तुम उसे बदला ले सकते हो। ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे अपने बेटे को हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। मुझे लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हारी पूरी फैमिली मर चुकी है, यहाँ तक के तुम भी। ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुम अपनी दुनिया में मर चुके हो, ये मेरी दुनिया है और अब तुम्हारी आत्मा मुझसे बात कर रही है। मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ और तुम्हारे बेटे की भी जान बचा सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो, कैसा कॉन्ट्रैक्ट। तुम बस हाँ या ना बोलो, उसके बाद मैं तुम्हें पावर्स दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे बस अपने बेटे को बचाना है। मेरा सर, ये क्या हो गया, मैं फिर से कैसे गिर गया था। लगता है मैं फिर से नॉर्मल दुनिया में आ गया हूँ। ये रहा मेरा बेटा, इसकी तो सांसें चलने लगी। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में पहुँचाना होगा। एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। हेलो, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एक सीरियस सिचुएशन है, प्लीज जल्दी से पहुँच जाइए, मेरे बच्चे की जान का सवाल है। उस आदमी ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था जिससे कि वो अपने बेटे को बचा सके, पर क्या उसका बेटा सच्ची में बच पाएगा। वो लोग हॉस्पिटल तो पहुँच गए थे, उसकी वाइफ मर चुकी थी, बच्चा मरने की हालत में था, और वो किस पावर की बात कर रहा था, चलिए जानते हैं आगे। मेरा बेटा कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। वो रहा, वहाँ पर ही डॉक्टर भी है, जल्दी से जाके उन्हें पूछता हूँ। डॉक्टर मेरी बात सुनिए, मेरा बेटा ठीक हुआ या नहीं, प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, इसके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। इसकी सांसें तो चल रही है, पर हम तुम्हें गारंटी नहीं दे सकते कि इसे बचा पाएंगे। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और इसका बहुत खून भी बह चुका है। हम कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू करेंगे, आप बस पैसों का इंतजाम कर दीजिए। आप जितने चाहे पैसे ले सकते हो, बस मेरे बेटे को बचा लेना। मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन और उन लोगों की कंप्लेंट करूंगा जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। जल्दी जल्दी जाता हूँ अपनी गाड़ी के पास। ये बहुत ही टेंशन में था, उसे बस अपना बदला लेना था, इसलिए इसने सोचा कि पुलिस का सहारा लिया जाए। पर जिन लोगों ने ऐसा किया था वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, वो एमएलए के गुंडे थे जो कि एक पॉलिटिशियन है, और आप सभी को तो पता है उनकी पावर कितनी होती है। क्या पुलिस कुछ कर पाएगी या वो लोग आजादी घूमेंगे। मैं बस कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ, वो पुलिस स्टेशन यही कहीं पर होना चाहिए। ये रही पुलिस की गाड़ियाँ, इसका मतलब मैं सही जगह पर आया हूँ। जल्दी जल्दी जाता हूँ अंदर, आज तो उन गुंडों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। कोई है इस पुलिस स्टेशन के अंदर, मुझे कंप्लेंट फाइल करनी है। यहाँ पर एक ऑफिसर है, ऑफिसर मेरी बात सुनिए, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये देख क्या रहे हैं। रास्ते में मिली एक जलती हुई कार जिसमें से एक जली हुई लाश मिली है। जब आसपास के लोगों को पूछा गया तब पता चला कि आखिरी समय पर वहाँ पर एमएलए के गुंडों को देखा गया था, पर इस बात के कोई भी सबूत नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया था। वो जलती हुई लाश किसकी है अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया। अरे ये तो मेरी फैमिली है सर, वो जली हुई लाश मेरे पत्नी की है, और अब तो आपको पता भी चल चुका है कि ये किसने किया होगा। प्लीज उन्हें अरेस्ट कर लीजिए, मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करना चाहता हूँ, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो लोग एमएलए के गुंडे हैं, अगर मैंने कुछ किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भाग यहाँ से और दोबारा यहाँ पर आना मत। ये ले, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इन्हें पता नहीं है वो कितना बड़ा पॉलिटिशियन है। मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है। ये तो बहुत गलत बात है, मैं तो यहाँ पर बहुत उम्मीद से आया था, इन्होंने तो मेरी मदद करने से साफ मना कर दिया है। ये लोग तो खुद उससे डरते हैं, यहाँ पर कोई किसी के काम नहीं आता, सब कायर है, मुझे न्याय लेना ही होगा। ये दुनिया बहुत ही जालिम है, वो शैतान किसी पावर की बात कर रहा था, मुझे वो चाहिए, मुझे खुद का बदला खुद ही लेना होगा। शैतान मेरी बात सुन, तू जिस ताकत की बात कर रहा था वो मुझे दे दे, मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने बेटे को बचाना है, अपनी पत्नी का बदला लेना है, मुझे वो ताकत चाहिए। एक मिनट, ये मुझे क्या हो रहा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी जल रही है, ये हो क्या रहा है मुझे। ये क्या हो गया है मुझे, मेरा तो पूरा शरीर जल रहा है पर मुझे बिल्कुल भी जलन महसूस नहीं हो रही। मुझे लगता है कि शैतान इसी ताकत की बात कर रहा था, मुझे बहुत ताकतवर फील हो रहा है। अब मुझे जल्दी से उन गुंडों के पास जाना होगा। और ये बाइक तो जमीन के अंदर से निकली है, मुझे लगता है यही मेरी सवारी है, एक फायर बाइक। अब तो वो गुंडे मेरे हाथ से बचेंगे नहीं, जल्दी जल्दी जाता हूँ उनके पास। इसने शैतान के
कॉन्ट्रैक्ट को मान लिया था ताकि वो बदला ले सके, और अब वो बन चुका था एक घोस्ट राइडर जिसे किसी चीज का भी डर नहीं था। वो बेखौफ था। अब देखना ये होगा कि वो अपना बदला कैसे लेता है, क्या शैतान इसका गलत इस्तेमाल करेगा। चलिए देखते हैं आगे। वाह क्या बात है, ये ताकत कुछ ज्यादा ही है। मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा है। मेरे रास्ते में आने वाली हर चीज या तो ब्लास्ट हो रही है या तो उसमें आग लग जा रही है। अब मैं भी देखता हूँ वो गुंडे कैसे बचते हैं। अब आएगा असली मजा जब उन्हें पता चलेगा कि लोगों को कैसा होता है जब किसी की जान जाती है। मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मेरी फैमिली को मारा, मैं उन सबको मार दूंगा। उस एमएलए का घर यही कहीं पर है, वो लोग उसके अंदर ही होने चाहिए। जल्दी जल्दी जाता हूँ। ये रहा उनका घर, यहाँ पर तो कुछ गुंडे खड़े है, पर इन्हें क्या पता है अब कौन आया है उनसे बदला लेने। जान जाएगी, सबकी जाएगी, मैं किसी पे दया नहीं खाऊंगा। मुझे बता दो एमएलए के वो चमचे कहाँ पर है, तो फिर तुम बच जाओगे। ये तुम कौन हो, निकलो यहाँ से वरना यही पर गोली मार देंगे, अंदर जाना मना है। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारे अंदर पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जितनी गोलियाँ चलानी है चला लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये लो, जल के खाक हो जाओ यही पर। ये कोई मामूली आग नहीं है, ये नर्क की आग है। मुझे लगता है वो लोग अंदर ही होंगे, मुझे अंदर जाकर चेक करना चाहिए। जो कोई भी अंदर है जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। वाह क्या बात है, यहाँ पर तो और भी बहुत सारे गुंडे हैं। मैं इन्हें मारना तो नहीं चाहता पर मुझे मारना होगा। मुझे तलाश बस उन तीनों की है। मेरे रास्ते से हट जाओ, क्यों फालतू में खुद की जान दांव पर लगा रहे हो। अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि मैं क्या चीज हूँ। वैसे तो तुम्हें मार के मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा, तुम ही उनमें से एक ही हो। ये लो जल के खाक हो जाओ, तुम्हारा अंत यही पर होगा। तुम भी लो, मैं पूरी जगह ही जला दूंगा, फिर कोई नहीं बच पाएगा। यहाँ पर तो बहुत सारे लोग है। मुझे बताओ कि वो गुंडे कहाँ पर है जिन्होंने मेरी फैमिली को मारा है। मुझे बस बदला चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है ये सब मरने के मूड में है। कोई बात नहीं, मरो सारे के सारे, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ पर है वो लोग, तुम्हें बहुत ज्यादा गंदगी भर गई है। तुम्हारी आत्मा अंदर से खोखली है। अपने काले करतूतों को याद करो और तुम्हारी आत्मा तुम्हें खुद मार देगी। मेरा काम है बस तुम्हें वो सब दिखाना। पता नहीं ये जलता हुआ आदमी कौन है, पर ये तो हमारे बॉस को ढूंढ रहा है। जल्दी से उन्हें फोन करना होगा। हेलो बॉस, मेरी बात सुनो, यहाँ पर कोई तो है जो बोल रहा है कि उसे आपसे बदला लेना है। आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी से निकल जाओ, आपकी जान को खतरा है। उसने हमारे आदमियों को भी मार दिया है। ये तुम क्या बोल रहे हो, ये चीज तुम्हें हमें पहले बतानी चाहिए थी। कोई हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है और हमें पता भी नहीं। हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं ऐसा कौन होगा जो हमारी जान के पीछे पड़ा है। मुझे कुछ तो महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई भागने की कोशिश कर रहा है, पर वो भाग नहीं पाएगा। जल्दी जल्दी जाके उसे पकड़ना होगा। मैं भी देखता हूँ वो कितने दूर जाता है। वो रहा निकल रहा है यहाँ से। जल्दी से जाके अपनी बाइक पर बैठता हूँ। भाग भाग, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। पर इतना याद रखना, मौत से कोई नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल वो तुझे आएगी ही आएगी। तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। कहाँ तक भागेगा, मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। घोस्ट राइडर को उसका पहला शिकार मिल चुका था जो कि उन तीन गुंडों में से एक है, और वो उसे कुछ ही देर में पकड़ लेगा। पर सवाल ये है कि बाकी के दो कहाँ पर है, क्योंकि वो तो उस घर के आसपास भी नहीं थे। क्या हमारा घोस्ट राइडर उन्हें ढूंढ पाएगा। भाग भाग, ये आग तुझे जला के भस्म कर देगी। अभी इतना डर लग रहा है तो तुझे पहले सोचना चाहिए था जब तू बुरे काम कर रहा था। पता नहीं तूने कितने की फैमिलियों को मारा होगा। उन सारे फैमिलीज का बदला लूंगा मैं। जितना भागेगा उतनी बुरी मौत मिलेगी तुझे। वो गुंडा भागने की कोशिश करता रहा पर घोस्ट राइडर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसे बस कैसे भी करके उस गुंडे की जान लेनी थी। अब ये ले, तेरे दिन भर चुके हैं आखिरकार। अब मैं भी देखता हूँ तू कैसे भागता है। जल्दी से भाई को यहाँ पर रोकता हूँ और जाता हूँ उसके पास, और इसकी मदद से मुझे पता चल जाएगा कि बाकी के दो लोग कहाँ पर है। अब वो लोग भी मुझसे ज्यादा देर छुप कर नहीं बैठ सकते। ये रहा वो। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या बिगाड़ा है, तूने मेरी फैमिली को खत्म कर दिया। इससे ज्यादा तो तू क्या ही बिगाड़ सकता है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है कुछ भी। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ जो दो जन थे उन्होंने ऐसा किया था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि गाड़ी के अंदर तुम्हारी फैमिली है। वो सब मुझे नहीं पता, तूने मेरी फैमिली की जान ली है। मुझे जल्दी से बता वो कहाँ पर है। अच्छा ठीक है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। वो लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर है, वहाँ पर मेरे बॉस का एक काम चालू है। प्लीज अब मुझे जाने दो। ठीक है मैं तुझे जाने देता हूँ, पर तुझे जाना होगा नरक में, उसी की आग में जलना। तू ना तू काम का है ना तेरी गाड़ी काम की है। अब मुझे उनके बारे में पता चल चुका है। जल्दी जल्दी जाता हूँ अपनी बाइक के पास, मुझे जल्दी से जल्दी उनके पास पहुँचना होगा। मैं आ रहा हूँ, बस अपनी मौत का इंतजार करो। टिक टॉक टिक टॉक।
उस गुंडे ने डर के मारे अपने दोनों साथियों की लोकेशन घोस्ट राइडर को दे दी थी। उसे लग रहा था ऐसा करने से वो बच जाएगा, पर आप सभी को पता है कि घोस्ट राइडर किसी को भी नहीं छोड़ता, उसे उसके पापों की सजा देके रहता है। मैं उस लोकेशन के काफी ज्यादा नजदीक हूँ, बस कुछ ही देर में पहुँच जाऊंगा। अब ये पुलिस कहाँ से आ गई? पक्का उस MLA का ही काम होगा। उसे लगता है मुझे इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्यों अपनी जान गंवाने आए हो? तुम्हें देश की सेवा करनी चाहिए, पर तुम भाड़े के टट्टुओं की तरह काम कर रहे हो, वो भी एक मामूली से गुंडे के लिए। तुम जैसे पुलिस वालों को तो मर ही जाना चाहिए। ये लो, अब तुम मिलो। कोई मेरे रास्ते के बीच में नहीं आ सकता। मेरा काम मैं किसी भी हालत में करके रहूंगा। जाको अपनी आत्मा के अंदर, महसूस करो अपने पापों को। ना तुम मुझे ऊपर से रोक सकते हो, ना नीचे से, और ना कहीं से। तुम्हारी ये गाड़ी अभी मेरे सामने कुछ नहीं। ये लो, मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। जो चाहे वो कर लो, पर तुम नहीं बचोगे। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी ये खाओ। वहाँ पर पुलिस ने एयर स्ट्राइक करवा दी थी, जिससे कि हमारा हीरो बेहोश हो चुका था और उसकी ताकतें भी चली गई थी। ये नहीं हो सकता, ये मेरे साथ कैसे हो गया? मुझ में तो इतनी ताकत थी कि मैं उन्हें आराम से हरा सकता था। ये रहा वो शैतान, तुमने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी नॉर्मल नहीं होऊंगा, फिर ये लोग कैसे जीत गए? उन्होंने मुझे कैसे हराया? उन्होंने तुम्हें नहीं हराया, तुमने खुद को हराया है। तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया था, पर तुम्हारा मन कुछ और ही कह रहा है। अपने जज्बातों को काबू में रखो और जो करने के लिए कहा है बस उतना ही करो। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। अपनी ताकतों को खुद ढूंढो। नहीं, ये क्या हो गया है? मेरी तो सारी पावर चली गई है, यहाँ तो बहुत तबाही मच गई। चलो फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं है, पर मैं ऐसे अपना बदला कैसे लूंगा? मुझे कुछ तो करना होगा। उन गुंडों की लोकेशन है मेरे पास, और वैसे भी मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। मुझे बदला लेना ही है, अब भले बिना पावर के ही सही, पर मैं उन्हें मार के रहूंगा। जल्दी से बाइक को शुरू करता हूँ और जाता हूँ यहाँ से। उस आदमी का मन बहुत ज्यादा साफ था, ना ही उसे कोई गलत काम करना था, ना ही किसी निर्दोष की जान लेनी थी, जिसके वजह से उसने अपनी पावर खो दी थी। क्योंकि शैतान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, और घोस्ट राइडर को उसकी पावर उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिलती है। पर अब हमारा हीरो घोस्ट राइडर नहीं रहा, वो एक मामूली सा इंसान है। तो अब सवाल खड़ा होता है, क्या इस हालत में वो बदला ले पाएगा या फिर खुद मारा जाएगा? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये वही जगह है जिसकी लोकेशन उस गुंडे ने दी थी। देखो, मुझे लगता है वो आ चुका है। आने दो उसे, उसे तो हम मजा चखाएंगे। उसे क्या लगता है, उसने सबको मार लिया तो हमको भी मार देगा? मुझे वहाँ से किसी की तो आवाज आ रही है। जल्दी से बाइक को इसके अंदर लेता हूँ। वो लोग आज मुझसे नहीं बचेंगे। मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, पर बदला लेकर रहूंगा। उन्हें पता चलना चाहिए कि मौत क्या चीज है, वो ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते। तुम सब मरोगे मेरे हाथ से। ये लो, सबके जाना जाने वाली है। तुम मुझे मेरी बीवी वापस नहीं लौटा सकते, पर मैं तुम्हें उसके पास भेज दूंगा। तुमने मेरे साथ इतना ज्यादा गलत किया है कि मैं बता भी नहीं सकता। सब के सब मरो। एक मिनट, तो भाग रहा है, यही वो गुंडा है जो सबसे आगे खड़ा था। मुझे लगता है इस गैंग का मेन मेंबर यही है। तो मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। भाग भाग भाग, गोलियों से छल्ली कर दूंगा मैं तुझे। अरे नहीं, उसे तो कुछ लगा ही नहीं। मुझे लगता है मुझे यहाँ से भागना होगा। मेरा दूसरा साथी वहाँ हेलीकॉप्टर में मेरा इंतजार कर रहा है, जो उस दिन मेरे साथ था। मुझे बस यहाँ से भागना है, फिर वो मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा। अरे नहीं, वो तो उस हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा है। उससे पहले मुझे उसे पकड़ना होगा, वरना वो मेरे हाथ से निकल जाएगा। रुक जा तू। आखिरकार मैं पहुंच ही गया हूँ। बाय बाय मामूली इंसान, अब तो अपने फैमिली को याद करते रह जाएगा और हमें कभी भी नहीं पकड़ पाएगा। अरे नहीं, वो लोग तो जा रहे हैं। अरे ये क्या, वो तो हेलीकॉप्टर लेके मेरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब वो मुझे भी मारना चाहता है। नहीं नहीं, मुझे जिंदा रहना होगा। जल्दी जल्दी भाग जाओ यहाँ से। अगर मैं ही मर गया तो मेरा बदला कौन लेगा? नहीं, आउच। चलो कोई बात नहीं, उससे तो बच गया। मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले वो मुझे वापस से ढूंढ ले। अरे नहीं, ये तो वापस आ गया। अब मैं कहाँ पर भागूंगा? यहाँ पर तो छुपने की कोई जगह भी नहीं है। चलो इस बार तो बार बार बचा, पर वो मुझे छोड़ेगा नहीं। ये देखो, फिर से आ गया है। मुझे जल्दी जल्दी भाग के कहीं पर पहुंचना होगा। वो धीरे धीरे करके मेरे नजदीक आते ही जा रहा है। अगर उस हेलीकॉप्टर के पंख मुझे लग गए तो मैं मारा जाऊंगा। अरे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही नजदीक से आ चुका है। अरे पापा, बार बार बचा। मैं तो इनसे बदला लेने आया था, पर ऐसा लग रहा है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। ये लोग तो मुझे ही मार देंगे। ये बहुत ज्यादा नजदीक से होकर जा रहा है। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरी ताकत चाहिए, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। मुझे अंदर से महसूस करना होगा, वो ताकत अभी भी मेरे पास है, बस उन्हें लाने की देरी है। आखिरकार वो वापस मुझे महसूस हो रही है। अब वो कैसे बचेगा? अब मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं है। आजा बेटा, अब तुझे पता चलेगा। तुम दोनों एक साथ मरोगे, उसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। आने दो इन्हें। ये लो। अब तुम कभी नहीं उड़ पाओगे बेचारा। इसे लगा था ये मुझे मार देगा, पर इसे क्या पता था कि वो किससे उलझ रहा है। इन दोनों को इनके पापों की सजा मिल चुकी है। आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया। मुझे जो करना था वो हो चुका है। अब मुझे इन पावरों की कोई जरूरत नहीं। मुझे
वापस से नॉर्मल होना होगा। घोस्ट राइडर अपना बदला ले चुका था, क्या अब सब कुछ खत्म हो चुका है या कहानी अभी बाकी है? क्योंकि शैतान का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी हमें नहीं पता, वो इससे क्या काम करवाना चाहता है और क्या ये उसका काम करेगा या फिर मुकर जाएगा। फिलहाल तो घोस्ट राइडर जा रहा है हॉस्पिटल में अपने बेटे की जान का पता करने, वो जिंदा भी है या नहीं। पर अब घोस्ट राइडर के पास बहुत ज्यादा ताकतें थी, वो चाहे तो अपने बेटे को जिंदा भी कर सकता था। अब बस एक ही जन उसके रास्ते में है, जिसने उसे जिंदा किया था। क्या वो शैतान उसे ऐसा करने देगा? रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कहां से आई? ये तो उसी शैतान की आवाज है। अपनी गाड़ी को यहीं पर रोक दो वरना बहुत बुरा होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल कहां से रहा है? अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो अभी रुक जाओ वरना बहुत बुरा होगा। रुक जाओ, मैं गाड़ी को रोक दूंगा, तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। तुम हो कहां पर? मेरे सामने आओ। ये रहा वो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारा बदला पूरा होने के बाद तुम्हें मेरा काम करना होगा, पर तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है तुम मुकरने की कोशिश कर रहे हो। पहले ये बताओ काम क्या है, मैं ऐसे ही सबका काम नहीं करता। ये तुम क्या बोल रहे हो, काम तो तुम्हें करना ही होगा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हें बस एक दो जन की जान लेनी है, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। नहीं, अगर मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है तो मैं किसी की जान नहीं लूंगा। सोच लो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हें इसकी सजा भी मिल सकती है। तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, अगर मैंने तुम्हें इतनी ताकत दी है तो सोचो मेरे पास कितनी होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। अब मेरी पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुँच चुकी है, तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि यहाँ से चले जाओ और कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाओ। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो देखो मेरा असली रूप, अब तुम नहीं बचोगे। ये लो। अरे बाप रे, ये इसे क्या हो गया है? ये तो एक शैतान बन गया, एक राक्षस। मुझे इसे हराना होगा, अगर ये बच गया तो ये मेरे बेटे की जान ले लेगा। ये लो, और अब ये खाओ, अपनी आत्मा के अंदर देखो, देखो अपनी शैतानियत को, छोड़ो मुझे अभी के अभी। ये लो, तुम जो चाहे ट्राई कर लो, मुझ पर ये कुछ काम नहीं करेगा। तुम में अभी उतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे हरा सको। मैं तुम्हें हराऊंगा, तुम्हें बार बार वो दिखाऊंगा जो तुम्हें नहीं देखना है। तड़पो, ऐसे ही तुम्हारी आत्मा भी तड़पेगी, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। ये लो, अब ये खाओ, अगर तुम्हें अपनी और अपने बेटे की जान प्यारी है तो मेरी बात मानो, तुम्हें बस दो तीन जनों को मारना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम बहुत गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें खत्म करके रख दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैं ऐसा कर नहीं सकता, मैं ऐसा कर रहा हूँ और मैं जो करना चाहता था वो होगा। मुझे लगता है ये खत्म हो चुका है, अब ये कभी भी नहीं उठ पाएगा। मुझे किसी की जान नहीं लेनी होगी, ये खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब मैं बस उन लोगों को सजा दूंगा जिन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत काम किया है, उन्हें उनके पापों की सजा दूंगा। अब से मेरा यही काम है। घोस्ट राइडर ने अपना बदला ले लिया था और उस शैतान को भी मार दिया था। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो हमेशा के लिए घोस्ट राइडर बन चुका था। अब वो बस पापियों को सजा देता था। तो हमें बताइए आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा किसी और स्टोरी में ऐसे ही बातें करते हुए। अच्छा, तो तुम इसलिए यहाँ पर आए हो? अरे मैं तो डर ही गया था। चलो कोई नहीं, तुमने अपना बदला ले लिया। तो गाइस, हमें तो पता चल चुका है कि घोस्ट राइडर यहाँ पर क्यों आया था और लॉस सैंटोस में इतनी गर्मी क्यों।